रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंसा पेच सुलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने इन सभी सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी नेता विजय दुबे ने बगावत की राह पकड़ ली है। विजय दुबे खड्डा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर विधायक बने थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। विजय दुबे का आरोप है कि बीजेपी अध्यक्ष ने टिकट काट कर उनके साथ धोखा किया है। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने कल चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने सत्ता में आने पर राम मंदिर निर्माण का भरोसा दिया है। अयोध्या के संतों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन संतों का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और संवैधानिक तरीके से निर्माण की बात कह रही है। ऐसे में बीजेपी का क्या रोल होगा? यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल कृष्णा पटेल गुट ने 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल का कहना है कि अपना दल कृष्णा गुट प्रदेश में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने बीजेपी पर अपना दल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। यूपी चुनाव में चेकिंग अभियान के दौरान कैश की बरामदगी लगातार जारी है। शनिवार को वाराणसी में एक स्विफ्ट कार से 10 लाख के नए नोट समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए। इनके पास से 4 किलो चांदी भी मिली है। बरेली में एक से करीब 2 किलो सोने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के एक नामी सीमेंट कंपनी का लोगो लगे गिफ्ट पैक में रखे गए थे। जांच में पुलिस को गाड़ी की डिक्की में 1,19,000 के नए नोट एक बैग में रखे मिले। यूपी के हापुड़ में शिकायत को नजरअंदाज करने से नाराज थाने गांव वालों ने रेलवे के अफसरों और धोलाना के एसडीएम को बंधक बना लिया। गांव वालों का आरोप है कि महमूदपुर में रेलवे एक अंडरपास बना रहा है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद ना काम पूरा हो रहा है और ना ही आसपास की सड़कों को ठीक किया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। पंजाब सरकार में मंत्री विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह को राजनीति से संन्यास की सलाह दी है। जलालपुर और सोहिया में 30 से ज्यादा कांग्रेस के नेता अकाली दल में शामिल हो गए। इस मौके पर मजीठिया ने अमरिंदर सिंह और सिद्धू पर जमकर जुबानी हमला किया। पंजाब के तरनतारन में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिंसा को बढ़ावा देती है। बादल ने जनता से किसी के बहकावे में ना आकर विकास के नाम पर वोट करने की अपील की। पंजाब के पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला का परिवार फिर से अकाली दल में लौट आया। सुखबीर सिंह बादल ने गगनजीत सिंह बरनाला और बलदेव सिंह मान को परिवार समेत पार्टी में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। 2004 में प्रकाश सिंह बादल से नाराज होकर स्वर्गीय सुरजीत सिंह बरनाला ने शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल के नाम से अलग पार्टी बना ली थी। बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। एपी से टूटकर बनी अपना पंजाब पार्टी ने गुरदासपुर में पंजाब चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। एपी के अध्यक्ष सुच्चा सिंह छोटेपुर ने घोषणा पत्र का ऐलान किया। मैनिफेस्टो में समाज के हर वर्ग के विकास की बात कही गई है।